मेरे को वजगारी होना। मेरी तो किस्तात नहीं है। एक काम करो बेटे, यही गाड़ी ले लो। गाड़ी है ना? नहीं, मेरे को वजगारी होना। ये देखे आप, बार भी देखे। नहीं, मेरे को वही छोड़ो। आओ आओ जल्दी आओ, फटाफट जो भी है एक आधा गिफ्ट पसंद करेंगे, ले लेके चल लेंगे। अरे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना कारोबार इम्पोर्टेंट, बड़े बड़े का जो भी है देख लेंगे। अरे हाफिज साहब, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? वालेकुम सलाम, किधर आ गए आप लोग? बस यहाँ हमारे घर का है, मेरे बेटे का बर्थडे है, वही तो उसको माशाल्लाह तोहफा लेने माशाल्लाह। आया गिफ्ट। आप कैसा है इधर हाफिज साहब? जरा बच्ची की खुशी के लिए देख रहे हैं, अभी कुछ अच्छा अच्छा लेते बोले तो लेके आ गया। लिए नहीं लिए, पसंद करे ना करे, बच्चों की पसंद है, चलते रहती वो लंबा चौथा। जरा आप लोग करिए आपका काम। जी बराबर बराबर। लंबा चौथा जरा हमारे बच्चों देख रहे भाई, देख मेरे को कुछ भी देखो समझ बेटे, में नहीं आता। हाँ जरा कालेंगे बच्चों को तोहफा वगैरह। देख देख देख, ये गाड़ी ले लेते आप? ये गाड़ी ले लेंगे। भाई ये गाड़ी कितने की है? देखो आपको ये देखो, अच्छा 5,500 डाल दो, वही बच्चे से बढ़ गएगा। अभी तो बोले रहो कैसी है गाड़ी, वो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी क्या है, 5,500 बच्चे से बढ़ के थोड़ी। हाफिज साहब सही है, सही। भाई वो भाई अंदर से निकालने लगो, ठीक है भाई जाके आना। अरे बात करना है, अरे थोड़ा सवाल पूछना है। अरे बाद में कर ले रहे भैया, चल एक सेकंड, कुछ दीनी मसाइल है तो पूछना, तो ये बार बार मिलते कहाँ। जी मोहन साहब, ये टी शर्ट पे अगर शेर की फोटो, अगर घोड़े की फोटो, ऐसा कुछ भी रहा कोई तो जानदार चीज की अगर फोटो आपके टी शर्ट पे, कपड़े पे जो पहने हुए है उस पे है, तो नमाज नहीं होती। अगर ऐसा पढ़ लिया है तो आप जाके पहली फुर्सत में खजा कर लीजिए उसकी। मतलब वो तो कल हुई थी बात, हाँ वही रहा तो उसकी, प्रिंट रहा तो? उसकी खजा कर लीजिए, ये प्रिंट रहे तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जानदार चीज की फोटो उसमें नहीं रहना चाहिए। अच्छा हो गया, चल रहे चल, चल। अरे जाके आते जाके, चलिए चलिए अल्लाह बेइज्जती करा रहा है। ये लेते क्या बेटे? नहीं नहीं बेटे, वो बहुत महंगी है बेटे, कोई दूसरी चीज ले लेंगे अपन। ये गुड़िया ले लो, अच्छी है। देखो 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 कैसा कैसा हिल रही, देखो। नहीं मेरे को वही छोड़ना, वही होना आपको। अच्छी बात है, घर देखेंगे। या अल्लाह, चलो बेटे। भाई क्या वो गाड़ी रखा दिया आप? हाँ गाड़ी में रखा दिया मैं। अच्छा वो कितने क्या बोले थे आप? 5,500। 5,500 कुछ कम ऐसा कुछ मसला नहीं, गूगल पे कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो डन राइट भाई, अल्लाह हाफिज। चलो चलो बेटे, मैं मेरे दोस्त को बोल दिया बेटे, उन्हों आपको आपकी गाड़ी भेज देते बोले। हाँ अपन जाके ले लेंगे, ओके। हाँ शाम तक उन्हों अपने घर पर गाड़ी भेजते, आपको गाड़ी आ जाती, ओके। अच्छा बच्चा, आप भी नमाज पढ़ के दुआ पढ़ना। हाफिज साहब। जी कौन? हाफिज साहब मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे आ गए आप? बस आप। अरे यारो समीर लाओ यारो। और हाफिज साहब तबियत वगैरह, खाना हुआ आपका? बस अल्लाह का मन है, अभी अभी जस्ट खाने से पहले हुआ। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, लाओ यारो, कितनी देर कर रहे हैं यारो। हे अल्लाह, मैं एक इमाम हूँ मेरे मौला, आपको मालूम है मेरे मौला, आपकी जात जानने वाली है मेरे वाली। इमामों की तनख्वाह क्या होती है मेरे मौला? मेरी तनख्वाह 8-10 हज़ार, बच्ची की फरमाइश 5-6 हज़ार की है मेरे वाली। कैसे मेरे बच्ची की मेरे फरमाइश पूरी करूं मेरे मौला? या अल्लाह तू ही मेरा कफील व कारसाज है मेरे मौला, तू ही इंतज़ाम फरमा मेरे वाली, तू ही इंतज़ाम फरमा दे मेरे मौला। तेरी ज़ात पे यकीन, तेरी ज़ात पे तवक्कुल है मेरे मालिक, तू इंतज़ाम कर दे मेरी बच्ची की ख्वाहिशों की मेरे मौला। हम इमामों को जानने वाला पूछने वाला कौन है मेरे मौला? हमारी हाजतों को, हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला कौन है मेरे मालिक? तू ही मेरे मौला, इंतज़ाम फरमा दे मेरे मौला, तुझसे ही तवक्कुल है मेरे मालिक। हाफिज साहब ये क्या है, इसकी क्यों तकलीफ कर रहे आप लोग? आपकी गाड़ी आ गई, ये तकलीफ क्यों करे आप? जिस जात से आप तवक्कुल रखे थे, जिस जात से आप दुआ करे थे, वही जात हमारे दिल में रहम डाली, इसलिए हम ये तोहफा आपके पास लेके आए। प्लीज कबूल करिए। देखिए हम लोग तो कोई
कुछ है नहीं, देने वाली जात तो अल्लाह की, हम तो बस जरिया है, प्लीज ये तोहफा कबूल करिए आप। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर इनायत फरमाए, आपके घर में बरकत इनायत फरमाए, आमीन, आपके घर में बरकत इनायत फरमाए, आमीन आमीन। देखो बच्चे आपकी फरमाइश पूरी हो जाए, अल्लाह भेज दिए गाड़ी हमको। अब हाफिज साहब, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप जैसे लोग, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, ऐसे लोगों की वजह से आज दीन जिंदा है, और आप जैसे लोगों की वजह से हमको दीन की तालीम मिलती। आप लोग आज अज़ा दिए तो हम मस्जिद को आते, आप नमाज पढ़ाए तो आपके पीछे हम नमाज पढ़ते, आप हमारे बच्चों को अरबी पढ़ाते, कुरान पढ़ाते, हदीस सिखाते, और आप जो है सो एक हमारे कौम का एक बहुत वजनदार, एक जानदार हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है आप, यही बोलना चाह रहा था मैं, हिस्सा है आप। मगर आपको जो है सो ऐसा देख के बहुत तकलीफ हो रही। असल समाज में एक जितनी एक आम इंसान की जितनी अहमियत है, उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों की अहमियत रहना, आप लोगों का रुतबा रहना। मगर खैर, हाफिज साहब, अगर आप बुरा नहीं मानते बोले तो मैं एक बात पूछूं आपसे। जी जी पूछिए। आपकी तनख्वाह कितनी है हाफिज साहब? अल्लाह का फजल है, मस्जिद की 8,000 तनख्वाह है। जी जी। बच्चों को रबी वगैरह पढ़ाते हैं। जी। 10 से 12,000 तनख्वाह महाना हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से 12 खाली चल जाता है। अरे हाफिज साहब, उससे ज्यादा तो जो है मेरी कार पेट्रोल पी लेती महीने को। अरे ऐसा कैसा हाफिज साहब, आपकी तनख्वाह क्या है यार? ये अल्लाह का फजल है, राशन तो राशन कार्ड से आ जाता। जी। बच्चों की तालीम मैं खुद अरबी पढ़ा लेता हूँ बच्चों को। जी जी जी। रहा कुछ मसला, रहा यही मसला था, अल्लाह से मांगे हम, अल्लाह ताला आपके दिलों को फेर दिए। जी जी। ऐसे इंतजाम हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जी जी। बस ऐसे ही चलता है। तो आपकी तनख्वाह वगैरह तो टाइम पे मिल रही ना हाफिज साहब? तनख्वाह मिल जाती ना टाइम पे तो मिलती। जी। अब हमारी कौम का हाल ऐसा है। जी। 2 महीने से मेरी खुद तनख्वाह रुकी हुई है, अब कमेटी वालों को इसरार करा मैं तनख्वाह। जी। कुछ ना कुछ बहाना बनाए थे, मस्जिद की गेट खुली थी, बच्चों की तालीम सही नहीं हो रही, नमाज वक्त पे नहीं हो रही, ये बहाने बना के इमाम की तनख्वाह रुकते, जबकि इमाम की जरूरत हर वक्त पड़ती है आपको, बच्चा पैदा हुआ इमाम की जरूरत पड़ती है अजान देने के लिए, फिर बच्चे का अकीका है बकरा काटने इमाम साहब होना, घर में दावत है खत्म कुरान कराने इमाम साहब होना, यहाँ तक कि हर चीज़, यहाँ तक कि आप किसी का इंतकाल हो रहा तो गुसूल तफ़ीन के लिए इमाम की ज़रूरत पड़ती, बच्चा पैदा होने से मरने तक इमाम की ज़रूरत, हर काम में इमाम की ज़रूरत पड़ती। जी। लेकिन जब तनख्वाह देना है तो कुछ ना कुछ बहाना कर दे, इसीलिए आज हमारे परेशानियाँ आ रही, बस अल्लाह करीम जो भी चल रहा चल रहा। सही बात है यार, कमेटी के भरोसे पे नहीं, अल्लाह भरोसे पे जिंदगी गुजार रहे हैं बराबर, मगर कमेटी का हक बनता है वही आपकी जो तनख्वाह है टाइम पे देना। हिदायत दी हमारी कौम को इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारे कौम के जहनों में बराबर बराबर। यारो दूसरे मुल्कों में देखो, इमामों को, मुफ्तियों को, आलिमों को कितनी इज्जत देते भाई, कार में आते, कार में नमाज पढ़ा के जाते हैं, लगा उतनी इज्जत देते, शायद ये भी एक वजह है लोगों की तरक्की की, यहाँ अपने पास इमामों को, हाफिजों को वो इज्जत व एहतराम नहीं देते जो उनका हक है उनको नहीं मिलता। खैर हाफिज साहब, आप ज्यादा सोचिए मत, टेंशन भी मत लीजिए, इंशाल्लाह ताला हम आज कमेटी में बात करते मस्जिद की, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी तनख्वाह आपको शाम तक मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए चलिए, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। हेलो बेटे, ले लो बेटे आपका, हाफिज साहब चलिए जाओ आ जाओ। बहुत अफसोस की बात है यार, ऐसा हुआ तो कैसा, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बोले तो करना अपने हाथ में चलता है भाई। सुन रहा, जिधर चाह है उधर राह है, मेरे पास एक आइडिया है बाप, ऐसा इमाम साहब, मौजिन और मुफ्ती जितने भी अपने आलिम दीन है उनके वास्ते जैसा भी जिसको जरूरत है, कहता है जुम्मा के जुम्मा पर नमाज पढ़ने जाते हैं, वैसे तो जाते रोज मगर जुम्मा को खास करके, तो उस दिन क्या करते अपन चंदा वगैरह देते, उस वक्त जो है सुना हर आदमी 100 रुपए देना, देख अपने मस्जिद में कितने 200 लोग आते, 100-100, 200 कितने हो गए मल्टीप्लाई करे तो 20,000 महीने में कितने जुम्मा आते कम से कम 4, तो कितने हो गए 80,000, वो 80,000 रुपए में से अगर 30,000 रुपए इमाम साहब को तनख्वाह दे दिए, 10,000 रुपए 15,000 रुपए मोहसिन साहब को भी दे दिए, बाकी के पैसे बचते, वो पैसे रख के तो मस्जिद की जो है सो और डेवलपमेंट में मेंटेनेंस में इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो क्या हर कोई कितना बोल के डालेगा, जिसका है एक एक इंसान अगर 100-100 रुपए भी दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाता, यहाँ कट्टों पे, चबूतरों पे, होटलों में 100-100 हजार रुपए इधर उधर लाइट हो गया यार, 100 रुपए क्या बड़ी बात है, समझ नहीं आता, हराम में डालने दिल नहीं दुखता, हलाल में किसी की मदद कीजिए बोलो दिल दुखता। खैर आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप जो है सो हमारे जो
मुहाफिजीन है, जिसके सीने में अल्लाह की किताब है, जो आपके बच्चों को जो है सो अरबी पढ़ाते, कुरान हदीस सिखाते, अगर आप उनके, अगर आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत है, तो आप लोग भी जो है सो अपने अपने आसपास की मस्जिदों में हर जुमा के दिन नमाज के बाद 100-100 रुपए जो है सो आप उनको तोहफे में दीजिए। इंशाल्लाह ताला उससे आपको भी जजाय खैर मिलेगा और आपके बच्चों को भी एक अच्छी सबक मिलेंगे और एक तालीम सीखने को मिलेंगी उन लोगों से। और इंशाल्लाह ताला जब तक हम अपने लोगों का ख्याल नहीं करेंगे, तब तक कोई और उनका ख्याल नहीं करता। बस यही मकसद था हमारा वीडियो बनाने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हमारे चैनल गोल्डन हैदराबादी को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, खुदा हाफिज़। चलो आ रहा।